न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं गोरिल्ला 450 की रिव्यू। तो हम आज देखेंगे यार एस कम्पेयर टू हंटर 350 कैसी है ये गाड़ी, एंड सिटी के लिए कैसे होने वाली है, टॉप रेंज क्या होने वाली है, इसमें फीचर्स क्या है, रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालय की इंजन लगी हुई है इसमें गाइस। तो इसको आज हम पूरे रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे सिटी के लिए, हाईवे के लिए एंड आपके पर्सनल काम के लिए कैसे ये बेस्ट हो सकती है, क्या हमको इसी को लेना चाहिए, फिर हमें हंटर 350 की ओर जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। आपको बताता हूँ एक एक करके सारे चीज़, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी इशू होते हैं, आपको किसी भी डाउट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना है, मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। लेट्स स्टार्ट इट। करते हैं यार हम फ्रंट से। तो आप फ्रंट में हमें मिल जाता है यार इस बार फुल LED एंड टर्न इंडिकेटर LED के साथ। फ्रंट पे हमें मिल जाता है रॉयल इनफील्ड का लोबो एंड ये डिज़ाइन है यार, तो फुल यार काफ़ी आई कैची है यार। और हमें यहाँ पर यार मिलता है यार डेटा कवर एंड पीछे में मिलता है यार आपको सस्पेंशन मोनोसॉक्स एक्स सस्पेंशन एंड आपको यहाँ पर मिलता है यार गोरिल्ला 450 की बैचिंग एंड आपको फ्रंट पे मिल जाता है यार रॉयल इनफील्ड का भी यहाँ पर एक लुक मिलता है, आपको लोबो मिलता है। पर मिलने वाले हैं आपको 120 सेक्शन के काफ़ी चौड़े टायर एंड द फ्रंट द डिस्क एंड द रियर ऑफ द डिस्क ऑन डुअल चैनल ABS। बात करते हैं यार इसके इंजन को लेकर, जो लिया गया है यार हिमालय 450 से, जो कि इसका इंजन है यार 450 सरपा लिक्विड कूल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है यार 40 mm एंड 40 nm पावर, जो आपको मैं अभी राइडिंग के दौरान मैं आपको फील कराने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि कैसा है इसका इंजन। हम आ जाते हैं यार इसके टैंक की ओर, जो कि आपको यहाँ पर इसके टैंक कैपेसिटी मिलती है यार 11 लीटर, जो कि यार आपको सिटी राइड के लिए एंड अगर हाईवे में आप कहीं भी जा रहे हो, थोड़ा सा लॉन्ग टूरिंग के लिए जा रहे हो, आपको 2 times फ्यूल फुल अप कराने पड़ेंगे। एंड आपको फ्रंट में मिल जाते हैं यार किल स्विच, मोड्स, हज़ार लाइट्स, स्लीपर क्लच और आपको होम बटन, यहीं से आप अपने डिस्प्ले का नेविगेशन चेक कर सकते हो यार, सारे फंक्शन आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 1000 lights, आपको हार्ड मोड्स आ जाते हैं यार। तो फ्रंट में आपको मिलता है यार LED डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलता है यार मोड्स के सारे फंक्शन, मैप्स, नेविगेशंस, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो ओके। एंड आपको सर्विसिंग के लिए, ABS के लिए, हीटिंग्स, सारे जो बेसिक से फंक्शन होते हैं जो आपको नीड होते हैं एज कम्पेयर टू राइडिंग के दौरान, वो सारे कुछ मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिलता है यार चार्जिंग के लिए Type-C पॉइंट, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है यार चार्जिंग के लिए Type-C, जो कि काफ़ी सही है यार। सो गाड़ी यार दिखने में काफ़ी आई कैची, सो ब्यूटीफुल गाड़ी यार, काफ़ी सही गाड़ी है यार। आ जाते हैं यार इसके सीट की ओर, तो सीट लाइक्स यार सो गुड। सो यार अगर आपकी हाइट 5'5" है या फिर 5 से ऊपर है, तो आप काफ़ी कम्फर्टली गाड़ी को चला सकते हैं यार। गाड़ी ऊंची नहीं है, हालांकि लॉन्ग है बट ऊंची नहीं है। सो यार कोई भी 5'5" या फिर 5 से ऊपर एनी पर्सन काफ़ी इजीली ड्राइव टू गोरिल्ला 450। सो लेट्स स्टार्ट यार, हम आपको अब राइड करके दिखाते हैं। What's on your mind? Can I read it from your eyes? Guys, अभी हम देखने वाले हैं गोरिल्ला 450 का ऑफ रोडिंग सस्पेंशन कैसा है। सो चेक आउट, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे ऑफ रोडिंग में सस्पेंशन सो गाइस अभी हम इसका स्पीड एंड टॉप एंड चेक करने वाले हैं। खैर मैं अभी टॉप एंड नहीं लेकर जाऊंगा, बिकॉज अभी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ है, बट मैं आपको जस्ट चेकआउट कराऊंगा कि 2 gear 3 gear एंड इसका पिकअप कैसा है और कैसे पुल हो रहा है, कितना आपको पिकअप दे रहा हो, तो आप वीडियो देखोगे जस्ट आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा राइट। जस्ट यार वीडियो बने रहो एंड वीडियो चेकआउट करो गाइस। Thank you.
गाइस अभी हम देखने वाले हैं, जस्ट ब्रेक चेक करने वाले हैं, टू गियर रियर ब्रेक काफ़ी सही है यार, रियर ब्रेक। अब हम चेक करने वाले हैं यार फ्रंट ब्रेक, गाइस फ्रंट ब्रेक तो भाई स्वाद है यार, अगर आप स्पीड में भी चल रहे हो यार तो ब्रेक काफ़ी सही है यार, और इसका क्रेडिट जाता है यार डुअल चैनल ABS को, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है गाइस। सो गाइस यार ये गाड़ी, अब हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि गाड़ी कैसी है क्या है। अभी तक से आपने सारे रिव्यू चेक कर लिए होंगे, राइडिंग का, इंजन्स, एंड आपको मैं इसका माइलेज बता देता हूँ, 25 आपको हाईवे 30 तक मैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सिटी पे राइड करते हैं तो आपको 20 एक्सपेक्ट करके चलो, उससे ज़्यादा आपको, मतलब अगर सही से चला रहे हो तो, ठीक है। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि ये गाड़ी को आपको किस किस कंडीशन में लेना चाहिए। देखो यार, अगर आप इसको सोच रहे होगे कि मैं ऑफिस वर्किंग के लिए लेना चाहता हूँ, या फिर लॉन्ग टूरिंग के लिए लेना चाहता हूँ, या फिर सिर्फ बेसिक से सिटी यूज़ के लिए मैं लेना चाहता हूँ, यार आप सारे पर्पस के लिए इजीली आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं सिटी में नहीं चला सकता, सिर्फ हाईवे पे बेटर है, या हाईवे पे बस इसको चला सकता हूँ, सिटी नॉर्मल कामों के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा थॉट माइंड में लेके मत चलना, ठीक है। सारे काम आप इस गाड़ी पे इजीली कर सकते हो, सारे सिचुएशन के लिए ये गाड़ी डिज़ाइन हुई है। डिपेंड करता है यार आप गाड़ी को कैसे यूज़ करते हो, अगर आप इस गाड़ी को अच्छे से यूज़ करते हो तो आपकी सिटी के लिए, हाईवे के लिए, आपके पर्सनल कामों के लिए, एंड सारे आपके जितने भी है उस सारे चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। एंड अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो गाइस। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, अभी इस गाड़ी को मैं यहाँ पर जस्ट खड़े किया हूँ, ठीक है, और इसका आई कैची ऐसा है ना कि आप गाड़ी को कहीं भी खड़े करो, देखो बच्चे लोग भी आ गए हैं इस गाड़ी को देखने के लिए, तो गाड़ी कैसा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस गाड़ी के रिव्यू ऐसे है ना, इसका मतलब कहीं भी आप गाड़ी को खड़े करो बच्चे बड़े सारे आकर आपको देखेंगे ही देखेंगे, और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी का आवाज़ सुनाओ, तो चलो यार एक बार और मैं गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ, आप भी सुनो यार, ठीक है। सारे लोग देख रहे हैं, थोड़े बच्चे लोग सरवा रहे हैं गाइस, एंड चलो गाड़ी को चालू करते हैं। और गाड़ी बहुत सही है, जाओ शोरूम विजिट करो, चेक करो, राइडिंग बुक करो, एंड एंजॉय करो।